प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने भावलखेड़ा ब्लॉक के जमुका गांव में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत पैक्स फैट द्वारा नवनिर्मित 100 एमटी क्षमता वाले खाद गोदाम का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम से वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सहकारिता मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस दौरान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हो चुका है, इसलिए हम सभी को वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल करते हुए प्रकृति के लिए अपना सहयोग करें। साधन सहकारी समितियां जिनको भी पैक्स कहते हैं, ये हमारे सहकारिता विभाग की रीढ़ है, नींव है। इसको मजबूत करने के लिए देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं और इसमें नए भवन बनाकर किसानों को सभी प्रकार की जरूरतें उसको यहां पर पूर्ण हो सके। उनको यूरिया की जरूरत है, डीएपी की जरूरत है, या कृषि केसीसी लोन की जरूरत है, या अन्य प्रकार के किसी भी उत्पाद की आवश्यकता है, तो उसको पूर्ण करने के लिए इस प्रकार की समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। नई नई भवन नए नए बनाए जा रहे हैं, तो उस क्रम में आज यहाँ पर AIF योजना के तहत एक भवन का उद्घाटन हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर जो वृक्षारोपण माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 36 करोड़ से ज़्यादा इस वर्ष लक्ष्य लिया है कि हम वृक्ष लगाएंगे, तो 20 जुलाई से शुभारंभ हो रहा है, तो यहाँ पर उससे पहले ही इन्होंने आज कुछ वृक्षों का यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। यहाँ पर हमारे सांसद आदरणीय अरुण सागर जी, विधायक आदरणीय अरविंद सिंह जी, CDO मैडम आदरणीय अपरिजिता जी और सभी हमारे गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं, प्लाटफॉर्म हैं।